साइकोलॉजी ऑफ वुमेन, द साइकोलॉजी ऑफ वुमेन फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस एंड डेवलपमेंट ऑफ वुमेन थ्रू आउट देयर लाइफ. मतलब वुमेन का डेवलपमेंट थ्रू आउट देयर लाइफ कैसे होता है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है. द साइकोलॉजी ऑफ वुमेन एक्सप्लोर करता है यूनिक साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस, बिहेवियर, मेंटल हेल्थ इशू कौन से वो फेस करती है वुमेन्स, उन पर फोकस किया जाएगा. डेवलपमेंटल स्टेज में क्या होता है, इन्वेस्टिगेटिंग द साइकोलॉजिकल चेंज वुमेन एक्सपीरियंस ड्यूरिंग डिफरेंट लाइफ स्टेज. जो एक वुमेन की जो लाइफ स्टेज है उस डिफरेंट लाइफ स्टेज है, तो उसमें डेवलपमेंटल चेंज या साइकोलॉजिकल चेंज डिफरेंट टाइप के होते हैं. जैसे कि लाइफ स्टेज, जैसे कि चाइल्डहुड है तो उसमें डिफरेंट एक्सपीरियंस होंगे, एडोलिसेंस है, एडल्टहुड है एंड ओल्डर एज है, विद पर्टिकुलर अटेंशन टू पुबर्टी. तो साइकोलॉजिकल चेंज हर एक एज में डिफरेंट डिफरेंट होंगे और स्पेशल अटेंशन दी जाएगी पुबर्टी पे, क्योंकि वहाँ पर ड्रेस्टिक चेंज होंगे. प्यूबर्टी है, प्रेगनेंसी है, मदरहुड है या मेनोपॉज है, ये लाइफ की ऐसी स्टेज है जहाँ पर चेंजेस नज़र आएंगे, दिखाई देंगे. मेंटल हेल्थ, एड्रेसिंग इशूज रिलेटेड टू वोमेंस मेंटल हेल्थ, जैसे कि डिप्रेशन हो सकता है उन्हें, एनजाइटी हो सकती है. अंडरस्टैंडिंग हाउ दीज इशू आर इन्फ्लुएंस्ड बाई जेंडर स्पेसिफिक फैक्टर, वह मतलब फीमेल्स इन सब चीज़ों के लिए प्रोन है, मतलब ये सब चीज़ें हो सकती हैं, डिप्रेशन एनजाइटी के वो शिकार हो सकती है, मेंटल हेल्थ उनकी अफेक्टेड हो सकती है, रिलेशनशिप विद फैमिली. इन्वेस्टिगेटिंग वोमेंस रोल इन द रिलेशनशिप, फैमिली स्ट्रक्चर एंड पेरेंटिंग, हाउ दीज रोल्स इम्पैक्ट करते हैं देर साइकोलॉजिकल. देखो वो फैमिली में जो वोमेंस का रोल है वो काफ़ी वाइड है, तो उनकी साइकोलॉजिकल वेलबींग भी अफेक्टेड होती है इन सब चीज़ों से. अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो हैंडल करना आसान नहीं होता उन्हें. बॉडी इमेज एंड सेल्फ इस्टीम, स्टडिंग हाउ सोसाइटल स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी, देखो ये तो सोसाइटी में स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी के वो उसके उसमें दब जाते हैं, कल्चरल नॉर्म्स उसी के हिसाब से रहना है. तो वुमेंस की बॉडी इमेज, सेल्फ इस्टीम एंड सेल्फ वर्थ बहुत सारी चीज़ों से अफेक्टेड होती है, क्योंकि कहा जाता है कि औरतों को एक सेट के अकॉर्डिंग ही रहना चाहिए, तो इस चीज़ों से वो कहीं ना कहीं डिप्रेस हो जाते हैं या लो सेल्फ इस्टीम के शिकार होते हैं अगर वो उस तरह से नहीं रह पाते. तो जेंडर रोल एंड स्टीरियोटाइप, इट इन्वेस्टिगेट हाउ सोसाइटल नॉर्म्स एंड स्टीरियोटाइप शेप करते हैं वुमेंस का बिहेवियर. मतलब सोसाइटी में कैसा है ना कि लड़कियाँ तो यही काम करेंगे, कैरियर चॉइसों से डेफिनेटली अफेक्टेड होगी, पर्सनल रिलेशनशिप अफेक्टेड होंगे क्योंकि वो एक्सेप्टेबल हैं या नहीं है. दिस इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ ट्रेडिशनल रोल्स एंड इवॉल्विंग जेंडर एक्सपेक्टेशन, मतलब लड़कियों से जो एक्सपेक्टेशन है वो उनकी लाइफ के जो डिसीजन है उन्हें अफेक्ट करते हैं.